लातेहार के सदर प्रखंड के पांडेपुरा पंचायत ग्राम रेहल में निकला शिवलिंग। दर्शन के लिए उमड़ पड़ी है दर्शकों की भीड़। शिवलिंग के दर्शन के बाद पूजा अर्चना कर शिव भक्तों ने शिवलिंग स्थान पर शिव चर्चा का आयोजन किया। वहीं सीता देवी का कहना है कि यहां पर शिव गुरु चर्चा करने के बाद शाम को 5 नारियल छोड़ा गया। सुबह में आने पर 4 नारियल फटा हुआ मिला और 1 नारियल सुरक्षित था, जो विनती करने के बाद खड़ा नारियल उसी वक्त फट गया। कई भक्तों ने बताया कि नागदेव के दर्शन हुए। सभी लोग चमत्कार देखकर अचंभित हैं। वहीं विनोद लोहरा, लोहरा समाज के प्रखंड अध्यक्ष ने पूजा पाठ विधि व्यवस्था के लिए कमेटी बनाने की बातें कही और कहा कि रेहल गांव के टोंगोई के किनारे बहुत ही भाग्यशाली बाबा भोलेनाथ जी के शिवलिंग प्रकट हुए हैं एवं आज से लगभग 4 दिन पहले दिखे हैं। दिखने के बाद से यहाँ पर धीरे धीरे पूजा अर्चना करने को लेकर भारी संख्या में भक्तजन का बेहद उत्साहित होकर जनसंख्या बढ़ती जा रही है। मौके पर भक्ति भाव से गांव टोला से पाहन बेगा, करमचंद उराव, सुरेंद्र उराव, फूलदेव उराव, रामलाल देवराव, बीरबल उराव, सीताराम उराव, सीता देवी, जलेश्वर लोहरा, संतोष लोहरा, शंकर लोहरा सहित सैकड़ों लोग प्रतिदिन सुबह शाम पूजा पाठ कर रहे हैं। लातेहार से राम कुमार की रिपोर्ट। करमचंद उराव का तालाब के किनारे एक टोंगरी है और टोंगरी के सामने भोलेनाथ साक्षात दर्शन दिए हुए हैं और यहाँ के माताएं एवं बहनें सभी लोग यहाँ पर आकर के पूजा पाठ कर रहे हैं, बाहर से भी आकर के पूजा पाठ कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी भक्तजन को पता चले कि मीडिया के माध्यम से कि यहाँ पर शिव जी साक्षात विराजमान लिए हैं और अगल बगल में जानकारी हो, गांव टोला में जानकारी हो और यहाँ भीड़ भाड़ लगे और यहाँ का संगठन बने, जागरूक हो सभी माताएं बहने और जो भी आदिवासी में लोग कहते हैं कि शिव को नहीं मानना चाहिए, शिव तो एक पवित्र नाम से जाना जाता है और तीनों त्रिलोक का मालिक हैं, हमारे शिव का गुरु मानते हैं, हमारे जो पहले से मानते आ रहा है उस चीज़ को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आज बहुत से आदिवासी लोग हैं इसे लेकर के शिव के नाम को ठुकराते हैं, लेकिन शिव को नाम से ठुकराने से पहले एक बार सोच के देखना चाहिए कि शिव क्या चीज होता है।